Thank you. पहली बार मुझे इतना बड़ा रोल मिला है जो बहुत लोगों ने पसंद किया है और इन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है, तो बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ कि फंक्शन कैसा होगा और वैसे मुझे अवार्ड मिलेगा कि सो ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है ये लुक बहुत पॉपुलर हुआ है क्योंकि हर सास ऐसा करना चाहती है, हर सास कहती है मुझे जुड़ा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लुक चाहिए, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। क्या करने को, सजने को 10 मिनट गड्डी बीच में पेशाब कर देता सी, पर कैन आई चेंज माय पैंट्स, डोंट वरी। और बताइए, और बताइए। जो मेरा लुक है आज, मैंने इंस्पिरेशन लिया 1950 से, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग पहनना चाहिए, ये बहुत एक्साइटिंग अवार्ड्स हैं तो यहाँ पे मैं कुछ अलग ही करना चाहता हूँ। तो आई थिंक मैं जो चश्मा पहन के आऊँ, टाई पहन के आऊँ, शूज़ तक, मैंने ये सोचा था 1950 को जो रॉक एंड रोल होता है तो हम भी आके यहाँ पे बहुत सारा रॉक एंड रोल करें। नहीं नहीं, अगर करने देंगे तो जरूर करके जाएंगे, या फिर मेरे हाथ में अवार्ड दे देंगे, बोलेंगे चुप करके चले जाओ, फिर क्या कर सकते हैं। पर मैं जरूर कुछ ना कुछ धमाल तो करने आता हूँ हमेशा, और इस यहाँ इस मंच पर भी मैं कुछ ना कुछ करके ही जाऊँगा। कीप वॉचिंग, दीज अवार्ड्स आर वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड्स ऑन द टेली, अवार्ड्स आर अमेजिंग, सो आई थिंक ये टेली अवार्ड्स में कुछ ना कुछ तो करके जाऊँगा। कीप वॉचिंग। रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। क्यों, मैंने क्या किया कमीनो? अवार्ड में अगर हमेशा एक्साइटमेंट होता ही है क्योंकि दिस इज वन बिग अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑल योर फ्रेंड्स इन द एंटायर इंडस्ट्री इन द सेम इवनिंग, इट्स लॉट ऑफ फन एंड इट्स इवन नाइसर व्हेन लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स गेट अवार्ड्स, सो इट्स ऑल इन ऑल अ वेरी नाइस फीलिंग। पूरा प्लान है, अब आए हैं तो कुछ करके जरूर जाएंगे। तैयार होने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता कभी भी, लेकिन क्योंकि मैं जनरली प्रिपेयर्ड रहता हूँ कि हाँ इस फंक्शन में जाना है तो मुझे क्या लुक कैरी करना है। And as far as my look is concerned, I am presently in a loop for my next character, so that's why this is the look. Thank you so much. Thank you. तैयारियाँ मैं तो करके नहीं आया हूँ क्योंकि मैंने मुझे परफॉर्म नहीं करना है, लेकिन एक्साइटेड हूँ क्योंकि हर साल एक्साइटमेंट होता है भाई, अवार्ड्स हैं, बहुत सारे लोगों को अवार्ड्स मिलेंगे, हम नॉमिनेटेड हैं, अवार्ड मिला तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो खुशी मनाएंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि एटलीस्ट जो कॉमेडी का जॉनर है, जो मेरा जॉनर है वो काफ़ी छोटा है, बड़े लिमिटेड लोग हैं इस जॉनर में, तो सारे के सारे अपने दोस्त हैं और जो नॉमिनेटेड भी हैं उन सभी लोगों के साथ मैं काफ़ी काम भी कर चुका हूँ, तो खुशी तो मुझे हर इंसान के लिए होगी जो भी जीतेगा। और जी हाँ, हमारा काम है लोगों को हंसाना, वो तो हम करते ही रहेंगे, अवार्ड मिले ना मिले। जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पलक या कॉमेडी देखने को मेरी तरफ से मिलेगी क्योंकि मैं यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं अवार्ड्स अटेंड करने आया हूँ और अपनी बीवी के सामने मैं थोड़ा बिहेव करता हूँ नॉर्मली, मैं चोटियाँ लगा कर नहीं आया हूँ आज, तो इसके लिए वो एंगल आपको देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू।
मैं बहुत खुश हूँ, ये बहुत खुशी की बात है। सेट पे खुद कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलता था, सब बोल रहे कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। बैकअप हो गया तो भी नहीं छोड़ रहे थे, अब क्या करूँ। बाल हनुमान जा रहे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम एक्साइटेड टू सी एवरीथिंग। सब अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। ड्रेसअप होने में ओ गलत सवाल है, ये लड़कियों को सवाल नहीं पूछना चाहिए। बट आई एम वेयरिंग माई ओन क्रिएशन एज यू कैन सी। एंड आई थिंक इट टुक मी एन आवर, एक घंटा लगा मुझे रेडी होने में। थैंक यू। Seeing that, definitely I'm going to enjoy it just now. Thank you. Today I'm wearing Archana Kochhar's Indian wear, and we were just speculating, shall I wear Indian or Western? But definitely this Indian Telly Awards, so we went and chose the Indian wear, and I think it was a beautiful choice of Archana. She's just amazing designer, and I love her for all those outfits. So I'm really, really glad to have her as my friend. Thank you so much. वेरी वेरी एक्साइटेड। आई थिंक एवरी ईयर टेली अवार्ड्स में बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेज होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लोग आते हैं, यू गेट टू सी पीपल वेयरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ आउटफिट्स। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ टेली अवार्ड्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी ऑल द परफॉर्मेंसेज देयर। कितनी अलग तैयार हुई हूँ, बट आई थिंक वाइट इज़ द कलर आई रियली लव एंड इट इज़ द विंटर सीजन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वाइट पहनना, एंड आई वोट वन ऑफ देम। एज यूजुअल 45 मिनट्स। नेहा आज आराम से बैठेगी, अवार्ड्स देखेगी और किसी को अवार्ड देगी। सो दैट्स ऑल व्हाट आई एम गोना डू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई कांट हियर यू। हाँ, 14th इंडियन डेली अवार्ड्स है। 14 साल में बहुत ज़्यादा तरक्की की है डेली अवार्ड्स ने, और 14 साल में जितनी टीवी ने तरक्की की है उतनी शायद अवार्ड ने भी तरक्की की है। आई थिंक दे आर को रिलेटेड एंड दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो जो टीवी आगे बढ़ रहा है क्यों टीवी अवार्ड भी आगे बढ़ रहा है, और आई विश देम ऑल द बेस्ट दिस ईयर ऑल्सो। It's superb to be over here on INTV award function. My privilege because it's my channel and my show Ganga. Keep watching. Thanks. Actually, मैं पहली बार आ रही हूँ and मैं perform कर रही हूँ आज। I think अच्छे performances हैं लोगों के लिए, लोगों को देखने के लिए। बहुत ही लंबा एक्ट परफॉर्म कर रही हूँ। 3 अलग डांस फॉर्म्स हैं, बेली डांसिंग है, पासरो प्ले है एंड बर्थडे है। सो एंड देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉप दैट इज एडेड एज वेल इन दिस एक्ट, सो आई थिंक पीपल विल लाइक इट।
I'm just wearing a simple dress. Zyada kiya nahi hai. And minimal jewelry, as you can see, is the earrings. I love shoes, so I've just gone a little over the top with my shoes. Guys, kuch acha aayega to of course. Yeah, thank you. और इतने 14 सालों से हम सब इसका हिस्सा बन रहे हैं. हर साल बहुत जोश के साथ वी सेलिब्रेट दिस. एंड फॉर मी दिस इज स्पेशल दिस ईयर बिकॉज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द ज्यूरी. तो मुझे बहुत सारे शोज देखने का और छोटी छोटी क्लिपिंग और अपने को एक्टर्स और अपने टेक्नीशियंस इन सबका काम देखने को मिला है. अपने डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है उनका काम देखने को मिला है. सो लेट्स सी कि आज कौन जीतता है. एंड दिस लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, दिस लॉट ऑफ बज, दिस लॉट ऑफ हैप्पी एनर्जी. सो आई एम गोना गो एंड एंजॉय माय सेल्फ. And congratulations to the 14 Jelly Awards. हाँ जी, हाँ वेल, क्योंकि मैं श्रुति हूँ, मैं यहाँ पे श्रुति बनकर आई हूँ. मैं जमाई राजा की सिमरन नहीं हूँ. तो डेफिनेटली आई बी मोर माई सेल्फ दैन बी द कैरेक्टर. वेल, आई एम जस्ट वेयरिंग अ वेरी रॉ सिल्क ब्लू, इंडिगो ब्लू कलर गाउन एंड वेरी टाइट है. And a beautiful necklace from Accessorize. And my gown has been, though you can't see it much, but then it is designed by Anuradha Khurana. So I'm very excited to wear it. And yeah, thanks a lot. कोई खास नहीं, मैं तो generally suits में ही होता हूँ. मुझे अच्छा लगता है पहनना. तो आप थोड़ा सा, sorry, इधर देख के बात नहीं. इधर देख. नहीं, मुझे generally suits पहनना बहुत अच्छा लगता है. तो आज award night है तो again suit पहनना अच्छा लगा. इसलिए सूट उतारी है राखी सावंत, लवली है. मैं राखी के लिए सूट भी उतार दूंगा, नेवर माइंड. शी इज अ वेरी गुड सर. अच्छा, क्या कहेंगे इस बारे में? 14th टेली अवार्ड और सारे साथ एनडीटीवी का ये था. अरे यार, 14th अवार्ड है, 14th ईयर इनका. बिग बिग कंग्रेचुलेशन, बिकॉज बड़ी मेहनत लगती है एक अवार्ड नाइट बनाने में. और 14 साल से सक्सेसफुल अवार्ड चलता आ रहा है. और अच्छा लगता है कि हम जैसे कलाकारों को भी मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है. हम अच्छा काम करते हैं और इनसे सराहना मिलती है तो बड़ी खुशी होती है. बहुत सारे अवार्ड्स अब आ चुके हैं. हाँ, अवार्ड शोज में क्या कहेंगे उनके बारे में? बहुत सारे होस्ट आ चुके हैं, होस्ट जो है. हाँ, बहुत सारे होस्ट आ गए हैं. अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं. और मैं यही चाहता हूँ अच्छी अच्छी होस्टिंग करें. बिल्कुल, बाय नॉट. सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी इंडियन डेली अवार्ड्स को, क्योंकि इनके 14th अवार्ड्स हैं. एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू गो इनसाइड एंड वॉच द अवार्ड फंक्शन राइट नाउ. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. लुक के बारे में क्या बताऊँ? बी स्टाइल बाय मिस्टर सैंडी. I am just trying to look pretty. Thank you. बहुत टाइम लगा, तीन साढ़े तीन घंटे लगे. थैंक यू. It's a collective ballet. It should be discussed. I suggest if you could say that. Okay, she has a concern with E24. It has to be Saras. Saras, I'm very clear about it. It has to be excluded. Saras, excluded. Yeah. If it's okay, then it's fine. ऑफकोर्स इट्स अ अवार्ड फंक्शन. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हर एक आर्टिस्ट, आई थिंक एक्ट्रेस हो और जो भी रिलेटेड है इंडस्ट्री से, सब लोग एक्साइटेड होते हैं. दिस इज़ द टाइम कि आपके काम को सराहा जाता है. सो ऑफकोर्स आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट.
आई नो, क्योंकि हर कोई मेरे जो फ़ैन होते हैं, मेरे रिलेटिव होते हैं, उन्हें हमेशा गोपी बहू से भी उनको अलग थोड़ा मुझे देखने का उनका बहुत ज़्यादा मन होता है. सो आई बाकी सब ट्राई बेस्ट के लिए भी है ना, थोड़ा डिफरेंट लगना चेंज. शूटिंग फॉर 12 आवर्स और उसके बाद यहाँ पे आके कुछ अलग करके आना, सो डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट कि वो डिफरेंस निकल के आए. ये नहीं देती है मुझे, आई मीन मैं नहीं देती हूँ इसे, बट शी गिव्स मी ऑल दी एडवाइजेस. मतलब आज का भी अगर लुक होगा तो शी इज द वन हु मेड मी वेयर दिस, डू दिस. तो एक से ज्यादा हो गया, बोलूंगी मोर देन एन आवर. हम उसे लास्ट में रश कर रहे थे कि ओह शिट वी लेट, वी आर लेट, वी लेट, बिकॉज एवरी टाइम ऐसा होता है कि शूट से डायरेक्टली आते हैं. आज थोड़ा फुर्सत में आ गए, फुर्सत मिल गई तो फुर्सत से आ गए. साथिया से हमारे शो से 2 अवार्ड नॉमिनेटेड हैं, लाइक 2 कैटेगरी नॉमिनेटेड हैं. वन इज बेस्ट एक्ट्रेस एंड वन इज बेस्ट शो. सो यस, फिंगर्स क्रॉस. क्रॉस नहीं, टैली अवार्ड्स में इस बार मेरा ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बट आई एम श्योर कि जो नॉमिनेशन है वहाँ से कुछ ना कुछ तो गणपति पप्पा करेंगे, एंड आप सबकी जो प्यार और दुआएं हैं उससे कुछ ना कुछ तो विल टेक समथिंग बैक होम. यस, आई सी यू, बाय. वेल, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बिकॉज इंडियन टैली अवार्ड्स हमेशा फॉलो करती हूँ, एंड आई हियर अगेन इट्स ऑल द सारे परफॉर्मेंस और सब कुछ. परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई एम हियर टू गिव अवार्ड. इनके बारे में, माय लुक, मेरा लुक कैसा लगा आपको? It's a wonderful gown. It's one of the designers. और बस सोचा आज मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ. इतना खूबसूरत गाउन एक खूबसूरत जगह पर ही आती है इसका, तो आई थॉट दैट क्यों ना इसको इंडियन के लिए अवार्ड्स यूज़ किया जाए. थैंक लिया है तैयार होने में. मैं यूजुअली 10 मिनट में तैयार हो जाती थी जैसे कि आप जानते हो, बट टुडे आई टेक लाइक एन आवर टू गेट रेडी. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि क्या होने वाला है अंदर, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है. सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. अनेरी बहुत ही चिल करने वाले हैं, मीट सम फ्रेंड्स हियर एंड आई हैव बीन नॉमिनेटेड, तो फिंगर्स क्रॉस्ड. मैंने टेली, इंडियन टेली अवार्ड्स को उसके बचपन से देखा है और आज मैं नॉमिनेटेड भी हूँ, तो एक्साइटमेंट है और प्रेयर्स हैं, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई विश माई सेल्फ ऑल द बेस्ट. एब्सोल्युटली मॉम नॉमिनेटेड है, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड बहुत ग्रैंड सेटअप है. सो एज यूजुअल इंडियन टेली जस्ट कीप्स गेटिंग बिगर एवरी ईयर, बहुत एक्साइटिंग है. क्या धमाल, हम तो ऑडियंस में धमाल देखेंगे आज, बट आई थिंक यहाँ बहुत सारा धमाल हो रहा है, एंड वी आर ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एक्सक्यूज मी सर, कैन यू प्लीज कम द सेट? वेरी गुड. अभी हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत अच्छा लग रहा है, एंड वेरी नर्वस आल्सो, बिकॉज इसे बहुत इंटरेस्टिंग अवार्ड मिलने वाला है या मिलेगा पता नहीं, वी आर वेरी होपफुल. वाला है कि नहीं ये तो पता नहीं, 9 मिनट में जरूर रहूँ, बाकी आप लोगों के ऊपर.
as always, इसने तो भी एक घंटा पहले कपड़े खरीदे। एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ, फिर एंड मोमेंट जाके मैं शॉपिंग करता हूँ, शॉपिंग करके सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ। हाँ, तो इसलिए किस बारे में? लुक के बारे में। मैंने एक लॉन्ग गाउन पहना है एंड वेरी पेस्टल कलर एंड इसको थोड़ा एक्सेसराइज किया है विद स्टोन्स। सो आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, यू वुड नो बेटर, यू आर द बेटर जज। मैंने टक्सीडोज पहने यार, इससे पहले मैं कुछ और पहनने वाला था, सडनली मुझे लगा कि चल टक्सीडोज पहन लेते हैं, इसलिए मैं टक्सीडोज पहन के आ गया हूँ। टक्सीडोज पहन के आ गया जी। नहीं, हम कुछ परफॉर्म नहीं करने वाले आज, ज़रूर अगली बार करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे खिलाफ हमारे पड़ोसी मुल्क ने और जिस